स्त्री का बांझ होना चिकित्सा 4. सीपिया स्त्रियों के बांझपन को दूर करने के लिए सीपिया औषधि बहुत ही उपयोगी साबित होती है। स्त्री का शरीर ऊपर से नीचे तक एक ही जैसा होता है, नितंब का भाग भी भरा हुआ नहीं होता, जिसके कारण वह गर्भ को संभाल नहीं सकती। मासिक धर्म नियमित होता है, प्रदर योनि में से पानी आना होता है, पेट में कब्ज बनती है। इस तरह के लक्षणों में रोगी स्त्री को सीपिया औषधि की 30 या 200 शक्ति दी जा सकती है। 5. बेराइटाकार स्त्रियों में डिम्बग्रंथियों तथा स्तनों के सूख जाने पर अगर बांझपन पैदा हो तो उसे बेराइटाकार औषधि की 30 शक्ति देना लाभकारी रहता है। 6. और ममयूर नेट्रोनेट होम्योपैथिक चिकित्सा में और ममयूर नेट्रोनेटम औषधि को स्त्रियों के बांझपन को दूर करने में बहुत ही खास माना जाता है। इस औषधि की 2x और 3x मात्रा स्त्री के गर्भाशय के रोगों को दूर करके उनको गर्भधारण करने में मदद करती है। 7. पल्सेटिला सीपिया कैल्केरिया कार्ब एक बहुत ही महान होम्योपैथिक चिकित्सक के अनुसार पल्सेटिला सीपिया और कैल्केरिया कार्ब औषधियों का स्त्रियों की जननेन्द्रियों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह तीनों औषधियां स्त्री के हार्मोन्स को सक्रिय कर देती है। इन तीनों औषधियों को नियमित रूप से सेवन करने से बांझ स्त्री भी मां बनने में सक्षम हो जाती हैं। 8. एलेट्रिस फेरिनोसा जो स्त्रियां गर्भाशय की कमजोरी के कारण मां नहीं बन पाती हैं, उन्हें एलेट्रिस फेरिनोसा औषधि का सेवन करना चाहिए। इससे गर्भाशय मजबूत बनता है और वे गर्भधारण करने के काबिल हो जाती है। रोगी स्त्री को समय से पहले और बहुत ज्यादा मात्रा में मासिक स्राव आना और इसके साथ ही प्रसव के जैसा दर्द होने पर इस औषधि का मूल क्या 3 शक्ति सेवन करने से लाभ मिलता है। 9. बोरेक्स तथा मरकसोल अगर किसी स्त्री को मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण गर्भ न ठहरता हो तो ऐसी स्त्री को संभोग क्रिया करने से आधे घंटे पहले बोरेक्स औषधि की 6x की एक मात्रा देनी चाहिए और संभोग क्रिया करने के आधे घंटे बाद एक मात्रा देनी चाहिए। अगर पुरुषों के वीर्य संबंधी दोष के कारण स्त्री को गर्भ न ठहरता हो तो उन्हें संभोग क्रिया करने से आधे घंटे पहले मरकसोल औषधि की 200 शक्ति की एक मात्रा और संभोग क्रिया करने के आधे घंटे बाद एक मात्रा देनी चाहिए। इससे स्त्री को गर्भ ठहर जाता है। बोरेक्स औषधि के सेवन से गर्भाशय के दोष दूर होकर स्त्री गर्भधारण करने में सक्षम हो जाती है।